पीनट बटर, इतने सारे पीनट बटर है मार्केट में, सबसे बेस्ट कौन सा है? ये तीन चीज सब भारतीयों को जानना चाहिए पीनट बटर के बारे में। पीनट बटर एक हाई प्रोटीन खाना नहीं है, पीनट बटर एक हाई कैलोरी खाना है और लो टू मीडियम प्रोटीन खाना है। एक चम्मच पीनट बटर में अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरी होता है, जिसमें 4 ग्राम प्रोटीन होता है। हर 100 कैलोरी रोस्टेड चना में 5.5 ग्राम प्रोटीन है, हर 100 कैलोरी दही में 6 ग्राम प्रोटीन है, सोया चंक्स में 15 ग्राम और वे प्रोटीन में 19 ग्राम प्रोटीन है। एक 70 किलो का इंसान को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर दिन। अगर आप 17 चम्मच पीनट बटर भी खाओगे तभी भी आपका दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होगा। ज्यादातर पीनट बटर ब्रांड अपने आप को हाई प्रोटीन बुलाते हैं, क्योंकि अगर वो लो टू मीडियम प्रोटीन अपने पैकेजिंग में लिखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। ये डॉक्टर ओटकर पीनट बटर है जो 1891 में जर्मनी में शुरू हुआ था। इसमें केवल 3.8 ग्राम प्रोटीन होता है और वो अपने आप को रिच इन प्रोटीन बुलाते हैं। डॉक्टर ओटकर से बेटर डॉक्टर तो मुन्ना भाई हैं। डॉक्टर ओटकर और मुन्ना भाई दोनों अपने आप को डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन मुन्ना भाई जादू की झप्पी देके लोग को खुश तो कर देते हैं। मुन्ना भाई आपको चना खिलाते हैं, ये ले चना खा। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। लेकिन डॉक्टर ओटकर तो वेजिटेबल फैट मिलाते हैं पीनट बटर में। दूसरा फैक्ट, पीनट बटर में ये 7 इंग्रेडिएंट सबसे कॉमन है। आपके पीनट बटर में एक ही इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो है पीनट्स और कुछ नहीं। बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स में हाइड्रोजनेटेड सोयाबीन ऑयल है, जिसमें ट्रांस फैट होता है जो दिल की बीमारियों से जुड़ा हुआ है। मैं रेकमेंड करता हूँ ये 4 कंपनी में कोई भी कंपनी का पीनट बटर खरीदिए। ये ब्रांड्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के पीनट बटर बनाते हैं, आप उनका बिना चीनी वाला डिब्बा चुनिएगा जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट हो, पीनट्स। ये एक इंग्रेडिएंट वाला रूल एक कारण से तोड़ सकते हैं और वो है ये। कुछ कंपनीज पीनट के अलावा वे प्रोटीन ऐड करते हैं पीनट बटर में, ताकि प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाए। ये पीनट बटर्स में 2 इंग्रेडिएंट होता है, पीनट और वे प्रोटीन। कुछ कंपनीज जो वे प्रोटीन ऐड करते हैं है ये। तीसरा फैक्ट, अगर आपको पीनट बटर मीठा बनाना है तो आप चीनी और गुड़ वाला पीनट बटर नहीं खरीदिए, बल्कि आप खुद उसमें गुड़ अपने हिसाब से डाल सकते हो स्वाद अनुसार। क्योंकि अगर आप खुद डालेंगे तो आप कंट्रोल कर पाएंगे कितना क्वांटिटी में डालना है। पीनट बटर खाना है तो खाइए, लेकिन टेस्ट के लिए खाइए, प्रोटीन के लिए नहीं। ये वीडियो किसी के साथ शेयर करिए जिसको पीनट बटर खाना बहुत पसंद हो।